कोविड को लेकर आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में रामदासपेट स्थित ध्रुव लैब राधाकृष्णन बी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अगले आदेश तक लैब में कोविड की जांच पर रोक लगा दी है। आयुक्त ने संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून अंतर्गत यह कार्रवाई की है। इसके अलावा सुविश्वास लैब रामदासपेट और मेट्रो लैब धंतोली को मनपा ने चेतावनी देते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित तीनों लैब को मनपा की तरफ से नोटिस जारी कर जांचे गए नमूने और वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी अंतर मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा था। मनपा की तरफ से अधिकारियों के एक दल ने तीनों लैब का मुआयना किया था। उसके बाद ये नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। मनपा के अपर आयुक्त संजय निपाने के नेतृत्व में दल ने समधी तीनों लैब के आकस्मिक जांच 9 सितंबर को की। जांच में ज्ञात हुआ कि ध्रुव, सुविश्वास और मेट्रो लैब आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। उसके बाद नोटिस जारी किया गया और जानकारी मांगी गई। लैब में रियल टाइम ध्रुव पैथोलॉजी रिपोर्टिंग की अनदेखी का मामला सामने आया। ध्रुव पैथोलॉजी लैब के माध्यम से मनपा स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव रोगियों की जानकारी समय समय पर नहीं दी जा रही। 5, 6 और 7 सितंबर को 1407 रोगियों की जांच की गई, लेकिन 51 रोगियों की ही जानकारी मनपा को दी गई। 836 रोगियों की जानकारी मनपा को नहीं दी गई। अपर आयुक्त संजय निपाने और चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने आयुक्त की अनुमति के बाद संबंधित कार्रवाई की है। मनपा प्रशासन की तरफ से निजी लैबों को सख्त हिदायत दी गई कि रियल टाइम रिपोर्टिंग के साथ ही आईसीएमआर के नियम का पालन करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।